देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,13,000 के पार पहुंच चुका है। इसी के चलते शनिवार को दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 39 में जिला अस्पताल की बिल्डिंग में ही 400 बेड का कोविड अस्पताल भी शुरू हो चुका है। शनिवार की सुबह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल का शुभारंभ किया। इससे पहले यूपी के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने भी कोविड अस्पताल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोविड अस्पताल में कोरोना के अलावा सीटी स्कैन और डायलिसिस यूनिट की भी सुविधा शुरू की गई है। हालांकि इस अस्पताल में फिलहाल सिर्फ 167 बेड पर ही कोरोना का उपचार किया जाएगा। इसके अलावा जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे ही अस्पताल में बेड की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। 400 बेड की क्षमता वाला ये कोविड अस्पताल जिले में सबसे बड़ा और आधुनिक अस्पताल होगा। यहाँ पर पहली मंजिल पर आईसीयू, इमरजेंसी और पांचवें तल पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा इस अस्पताल के दूसरे तल पर डायलिसिस यूनिट और सीटी स्कैन की व्यवस्था की गई है। लगातार बढ़ रहे मामलों पर सरकार भी चिंतित है। ऐसे में कोशिश ये है कि बेहतर से बेहतर अस्पताल बनाकर कोविड-19 पर नियंत्रण किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।